अमर कोलकाता से लखनऊ जाने के लिए ट्रेन के सेकंड एसी की बोगी में बैठा। गर्मी काफ़ी थी बाहर। ट्रेन में बैठने के बाद उसे काफ़ी रिलैक्स्ड फील हुआ। उसने अपनी सीट के नीचे सामान रखा और कुछ देर बाद इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि पूरी बोगी में सिर्फ 5 लोग हैं। एक फैमिली है जो सबसे आगे के कंपार्टमेंट में बैठी थी और एक औरत उसके सामने वाली सीट पर बैठी थी और खुद वो। उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे, क्योंकि उसकी टिकट तो वेट लिस्ट से कंफर्म हुई थी, मींस पूरी बोगी भरी हुई होनी चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद एसी कंपार्टमेंट की ठंडक ने उसे सब भुला दिया। कुछ देर बाद सूप आया जो अटेंडेंट ने उसे दिया। उसने अपना सूप लिया और पीने लगा। तभी उसने देखा कि अटेंडेंट ने सामने वाली लेडी को सूप नहीं दिया और वह औरत अमर के सामने देखे जा रही थी। अमर ने उससे पूछा कि आप नहीं लेंगी सूप? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अमर उस पर ध्यान ना देते हुए अपना सूप पी के उठकर पूरी बोगी चेक करने लगा। लेकिन सच में पूरी बोगी में उन 5 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठा। थोड़ी देर बाद खाना आ गया और तब भी अटेंडेंट ने उस लेडी को खाना नहीं दिया और वहां से जा रहा था। तब अमर ने उस अटेंडेंट से कहा कि अरे भाई, इनका खाना भी तो देते जाइए। तब उसने पूछा कि किसका सर? इनका भाई और किसका? अमर ने उस औरत की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा। अटेंडेंट ने अपनी लिस्ट निकाली और चेक किया तो उस पर वो सीट नंबर लिखा ही नहीं था। उसने कहा कि सर, यहाँ तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, आप किस पैसेंजर की बात कर रहे हैं? तब अमर ने कहा कि यार, ये तुम्हारे सामने बैठी है, वो तुमको दिखाई नहीं देती क्या जो तुम नंबर ढूंढ रहे हो? तब अटेंडेंट ने थोड़ा दूर जाकर इशारा करते हुए अमर को वहां बुलाया। जब अमर वहां गया तो उस अटेंडेंट ने अमर से पूछा कि आपको कोई औरत वहां बैठी दिख रही है क्या सर? अबे क्या पागल है तू, सामने बैठी है तो कि दिखाई नहीं देगी? अमर ने उसे डांटते हुए कहा। अरे सर, शांति रखो और ज्यादा चिल्लाओ मत, अगर वो सुन लेगी तो मुसीबत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि आपको उसकी हकीकत पता चल गई है। दरअसल वो एक औरत का भूत है जो कभी कभी इस डिब्बे में दिख जाता है। जब से यह डिब्बा चेंज हुआ है, यह घटना कई बार हो चुकी है। आप शांति से बैठो, वहां पर कुछ सवाल जवाब मत करो उससे, शांति से बैठे रहो, वो आपको कुछ नहीं करेगी। यह सुन के अमर के पसीने छूट गए कि अब वो उस सीट पर जाकर बैठे कैसे। तभी उसने उस प्रेत को अटेंडेंट के पीछे खड़े हुए देखा और डर के मारे अमर ने चिल्लाकर ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। अमर का नसीब अच्छा था कि वो बच गया, क्योंकि ट्रेन स्टेशन के नजदीक थी और स्पीड काफी कम थी। उसने उस औरत को नीचे भी अपने साथ देखा जब वह नीचे गिरा जा करके, लेकिन फिर वह गायब हो गई। एक दो दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद उसे छुट्टी मिल गई। आज 12 साल हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन अमर अभी भी इस घटना को भुला नहीं पाया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फेसबुक पेज भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।